आईआईटी में आए हुए दो क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन आईआईटी में आए थे। देखो इस चैप्टर के अंदर तीन राज हैं, राज का मतलब तीन तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, ऐसा ध्यान रखें भाई। राज टू क्या कहता है, अगर आईटीएफ अकेला दिख जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दिख जाए, आप उसको चुपचाप कोई ना कोई एंगल क्या मान लेंगे, थीटा। ओके, ये दो क्वेश्चन आईआईटी में आए थे। पहले क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन कहता था सिंप्लीफाई, क्या चीज सिंप्लीफाई करनी थी, कोसेक ऑफ टैन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ सेक ऑफ साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, कोसेक ऑफ टैन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ सेक ऑफ साइन इनवर्स। छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान देखो सबका इस्तेमाल आ गया, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, छो के यूज है। लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास राज टू है। बोर्ड पर देखते रहें, कोसेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ सेक ऑफ साइन इनवर्स। अंदर की ओर से शुरुआत करेंगे, थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स को कोई ना कोई एंगल थीटा मान लेंगे। अगर साइन इनवर्स को कोई ना कोई एंगल थीटा मान लेंगे, इसका क्लियर कट मतलब हो जाएगा साइन थीटा किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो कुल मिला के आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ cot इनवर्स ऑफ sec थीटा। अभी देखिए टेंथ क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम हो गया कि sin थीटा की वैल्यू ये दे रखी है और आपको sec थीटा की वैल्यू चाहिए। बचपन का ट्रायंगल बना ले, अगर sin थीटा हमारा a के बराबर है तो a और 1 हो गया हमारे पास, और ये चीज आ गई रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, बोलो हाँ। क्लियरली यहां से हम लोग देख सकते हैं कि sec थीटा की वैल्यू cos थीटा दिस अपॉन दिस होता तो sec थीटा 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो कुल मिला के ये चीज रिड्यूस हो गई, किसमें रिड्यूस हो गई, कोसेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, वापस से हम वही हरकत दोबारा करेंगे, अंदर वाले को कोई ना कोई नया एंगल अल्फा मान लेंगे। अगर अंदर वाले को नया एंगल अल्फा मान लेंगे तो कोसेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा निकल के आ जाएगा, जहां पर कॉट अल्फा जो है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर के बराबर। कुल मिला के वही टेंथ क्लास वाली बात आ गई कि कॉट अल्फा की वैल्यू पता है और हमको वैल्यू निकालनी है कॉस अल्फा की। चलिए अभी ट्रायंगल बना लीजिए, बचपन वाला अगर हम ट्रायंगल बना लें पर यहां पर आ गया अल्फा, कॉट अल्फा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, तो यह चीज आ जाएगी रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। कॉस अल्फा की वैल्यू तुरंत लिख सकते हैं, तो यहां पर चीज आ जाएगी कोसेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर। वापिस से वही पुरानी कहानी, इसको नया एंगल बीटा मान लेंगे, एंगलों की कमी तो है नहीं, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए कोसेक बीटा की। और जहां पर हमको इंफॉर्मेशन गिवन है कि टेन बीटा बेटा किसके बराबर है, 1 अपॉन रूट 2 माइनस ए स्क्वायर के बराबर है। सही है, बचपन वाला फिर से ट्रायंगल बना लें, टेन बीटा, टेन बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, तो ये चीज आ जाएगी रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो कोसेक बीटा, अरे मुझे लगा कुछ भयानक आंसर आएगा। तो फाइनली दिस होल एक्सप्रेशन इज नथिंग बट इक्वल टू रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। मैं लगातार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आईटीएफ अकेला अंदर दिख जाए या टीएफ के अंदर दिख जाए, समझ लो भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का यूज है ही नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन किससे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से। एक और क्वेश्चन देखिए, आईटी वालों ने जिस साल ये क्वेश्चन पूछा था उसके नेक्स्ट ईयर ही उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा जिससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया है। उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आइए इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन करें, उन्होंने बोला शो बीटा क्यूब बाय 2 कोसेक स्क्वायर हाफ टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा क्यूब बाई 2 सेक स्क्वायर हाफ टेन इनवर्स अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, और मैं आपको एक बात और यहां बताना चाहूंगा, राज टू और भाई राज वन तो सिंपल सा राज है, ऑड इवन का राज है। बेसिकली जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास राज टू और राज थ्री आएंगे, भैया 8 प्रॉपर्टी पढ़नी, 5 तो पढ़ी ली, बची 3 एक जैसी प्रॉपर्टी है तीनों।
ध्यान रखो 95% क्वेश्चन जो इसमें होते हैं ITF में, ITF के चैप्टर में जो 95% क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं कि उनमें ITF की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से ही काम बन जाता है कि साइन इनवर्स अल्फा क्या है, एक एंगल है, साइन एक्स क्या है, एक एंगल है। आओ यहां पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करना चाहें तो बहुत आराम बात कर सकते हैं। यहां पर टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा है और यहां पर टेन इनवर्स अल्फा बाई बीटा है। ध्यान देना है, निगाहें चूकी, गड़बड़ हो गया, नहीं क्वेश्चन सही है। एक जगह टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा और एक जगह टेन इनवर्स अल्फा बाई बीटा। तो हम लोग वही बचपन की पुरानी कहानी, टेन इनवर्स अल्फा बाई बीटा को लेट से थीटा मान लेते हैं। थीटा नहीं, मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है गुरु जी टू थीटा मानेंगे, क्यों हाफ है ताकि चीजें ठीक दिखाई पड़े। थीटा बाई टू आ जाएगा तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री वैसी बहुत स्ट्रांग होती है। क्या तो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू बेसिकली आ जाएगी टेन टू थीटा, बोलो हाँ। तो बीटा बाई अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कॉट टू थीटा, दोनों रेसिप्रोकल ले लिया मैंने। ओ बीटा बाई अल्फा को मैं लिख दूंगा टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस टू थीटा, टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा निकल के आ गया पाई बाई टू माइनस टू थीटा, बहुत ही शानदार। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा बीटा क्यूब बाई टू कोसेक स्क्वायर हाफ टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा, तो आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस थीटा। आंखों से देखो, प्लस अल्फा क्यूब बाई टू सेक स्क्वायर हाफ टेन थीटा। कोसेक और सेक, नाइन्थ क्लास में जो गुरु जी की बात याद आ रही है, नाइन्थ क्लास में मैडम चिल्लाया करती थी कि जब भी कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो ट्रिग्नोमेट्री का तो उसको कन्वर्ट कर दो साइन एंड कॉस में। ये हमारा बिल्कुल टेंथ क्लास में यही गुरु मंत्र था, तो हम इसको कर देंगे साइन स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस थीटा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा। बचपन में वही मैडम और चिल्लाया करती थी कि टू साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस थीटा, और मैडम फिर चिल्लाई कि टू कॉस स्क्वायर थीटा को वन प्लस कॉस टू थीटा लिख सकते हैं। ये देखिए कितना चिल्लाती थी मैडम, टू साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा, तो अंदर वाले का डबल प्लस अल्फा क्यूब अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा। ओ आंखें कुछ देख रही हैं, बीटा क्यूब अपॉन वन माइनस साइन टू थीटा प्लस आप प्योर मैनिपुलेशन है कॉस टू थीटा। अंधा बच्चा फूटी आंखों से देख सकता है गुरुजी गुरुजी टेन टू थीटा अल्फा बाई बीटा है। तो बचपन का टेंथ क्लास का ट्रायंगल बना लीजिए, टू थीटा अल्फा बीटा रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अंधा बच्चा भी आज खुश हो रहा है साइन टू थीटा अल्फा अपॉन रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब अपॉन वन प्लस कॉस बीटा अपॉन रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए पूरी तरह एलजेब्र में कन्वर्ट कर दिया, कहीं कोई ट्रिग्नोमेट्री या कहीं कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, दिखाई पड़ रहा है आंखों से, बस आंखों का ही फायदा है। रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे प्यारे प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा। मैथ के अंदर इलस्ट्रेशन और डिस्कशन पर ध्यान दें, बस थ्योरी सबको पता होती है, और जो जो थ्योरी पढ़ के बैठते हैं फिर अगले साल फिर बैठते हैं। बीटा क्यूब अपॉन रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। अगर थोड़ा सा स्टेप्स में खा जाऊंगा, इसको रेशनलाइज करो, इसको जब आप रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। आंखों ही आंखों में देखिए, बीटा क्यूब इंटू रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, और नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बीटा स्क्वायर बचेगा। देख पा रहे हैं आंखों से, देख पा रहे हैं आंखों से। यहां पर जब आप रेशनलाइज करेंगे तो यहां पर आएगा अल्फा क्यूब रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिखा कि नहीं दिखा, और यहां पर रेशनलाइज करेंगे, ओ हो क्या देख रही हैं आंखें, यहां पर आ जाएगा रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा होल डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर, दिखा कि नहीं दिखा। आइए रंग बिरंगी चौकों का इस्तेमाल करें, क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ।
रंग बिरंगे के चौकों का इस्तेमाल काटने के लिए कर रहे हैं, बीटा स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ केवल बीटा बचेगा, अल्फा स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ केवल अल्फा बचेगा। इधर अब देखो, यहाँ बीटा बीटा कट गया अपने पास। अब देखो यहां से दोनों में से रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो। जैसे आपने रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, ये चीज तो कॉमन चली गई, बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा और बनेगा बीटा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा बनेगा अल्फा बीटा। यहां से रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा बनेगा अल्फा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा बनेगा माइनस अल्फा बीटा। प्लस अल्फा बीटा माइनस कट जाएंगे, कट गए, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अंदर बचेगा बीटा प्लस अल्फा, हैंस पार्टी। छाप लो, ये तीन क्वेश्चन मैं और लेने जा रहा हूं, ये तीनों क्वेश्चन भी आईआईटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। देखो 95% ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केवल राज 2 पर बेस्ड है, यानी 95% क्वेश्चन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई बहुत ज्यादा डीप यूज आता ही नहीं। एक आईटी ने क्वेश्चन पूछा था, इफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह पूछा था और बोला था शो दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2y, और हमको शो करना था कि जो एक्स स्क्वायर है वो साइन 2y के बराबर है। चलो इसको प्रूव करें, y अगर tan इनवर्स के बराबर है तो दोनों वो tan ले लें तो यहां पर tan y हो जाएगा, और tan y किसके बराबर हो जाएगा माइनस होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? यहां पर हम लोग इस्तेमाल करना चाहें चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लो, चाहे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, आइए कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए तो इसको tan y बाई 1 लिख सकते हैं, तो ये चीज बन जाएगी tan y प्लस 1 अपॉन tan y माइनस 1। देखो यहां न्यू दिस प्लस दिस किया ऊपर और नीचे क्या किया दिस माइनस दिस, अब सोचो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, दिस प्लस दिस करूंगा तो 2 टाइम्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, और दिस माइनस दिस करूंगा तो माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा। कंपोनेंट डिविडेंडो लगा रहे हैं, कंपोनेंट डिविडेंडो का मतलब अगर a बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विल बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, तो यही ऑपरेशन मैंने यहां पर लगाया है। यहां 2 से 2 कर गया, माइनस साइन को अगर एडजस्ट कर लें तो यहां बन जाएगा 1 प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन वाई, माइनस साइन को एडजस्ट किया मैंने माइनस माइनस से, और इधर हमारे पास आएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन वाई, ये बेटे बन जाएगा टेन पाई बाय 4 प्लस वाई, ये किसके बराबर आ गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जितने मैं इलस्ट्रेशन लेने जा रहा हूं आगे भी लूंगा, आप देखो कि इसके अंदर यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो बहुत ही कम यूज है, जैसे एक बार टेन इनवर्स को इधर ले गए अब तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, अब तो प्योर ट्रिग्नोमेट्री का ही गेम चल रहा है। दोनों ओर स्क्वायरिंग कर दें, ऑब्वियस सी बात है दोनों ओर स्क्वायरिंग कर दें, तो दोनों ओर स्क्वायरिंग करते ही आप ध्यान से देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया टेन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस वाई। वापिस से हम कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, या दिस माइनस दिस अपॉन दिस प्लस दिस। अब की बार हम करते हैं कि a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहां पर अपॉन 1 करके करेंगे तो ये चीज आ जाएगी tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस वाई माइनस 1। यहां तक गाड़ी पहुंची है हमारे पास, यहां 2 से 2 काट देंगे हम लोग बिना कोई दिक्कत के, अब ऊपर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस वाई प्लस 1। क्लियर है? यहां से माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए, ओ
वन माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस वाई अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस वाई, क्या ये हमको किसी फॉर्मूले की याद दिला रहा है? यस, याद दिला रहा है। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा, अंदर वाले एंगल का डबल हो जाएगा, तो कॉस टू थीटा, इसका डबल कर देंगे तो पाई बाय टू प्लस टू वाई, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा। बोलो आज बता दो मुझको, साइन टू थीटा के माइनस साइन, माइनस साइन थीटा। तो यहां पर भैया माइनस साइन टू वाई जो कि आ गया साइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक्सक्वायर चला आ रहा है, कहना ही पड़ेगा मुझे हैंस पार्ट कॉपी करें। इन सब क्वेश्चनों को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था आईआईटी में और बोलता था फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज निकालनी थी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, इस फंक्शन की रेंज निकालने को बोला था। रेंज मतलब कहां से कहां तक आउटपुट होगा। अच्छा यार, एक्स जब भी रेंज की बात होती है तो सबसे पहले डोमेन हमेशा देखना चाहिए। साइन इनवर्स के अंदर एक्स है और कॉस इनवर्स के अंदर भी एक्स है, तो एक बात तो तय हो गई कि भैया एक्स केवल कहां से कहां होगा, माइनस वन से वन होगा, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस वन से छोटी वैल्यू वन से बड़ी वैल्यू नहीं लेगा और कॉस इनवर्स भी सेम है। अच्छा, आईटीएफ अकेला दिख जाए या टीएफ के अंदर दिख जाए तो बेस्ट बात यह होगी उसको कोई ना कोई एंगल थीटा एज्यूम कर ले। तो हम लोग क्या, साइन इनवर्स पसंद है, कॉस इनवर्स पसंद है, कोई भी यूज कर सकते हैं। ये साइन इनवर्स मुझे पसंद है तो इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस इनवर्स एक्स बेटे कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस अल्फा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी मैंने बताया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन निकल के आ गया तो आ गया अल्फा क्यूब प्लस पाई बाई टू माइनस अल्फा का होल क्यूब। लगे हाथों जब मैंने यहां पर अल्फा कर दिया और साइन इनवर्स एक्स को अल्फा मान रहा हूं तो अल्फा कहां से कहां वेरी करेगा, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो साइन इनवर्स एक्स के खुद की रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स की खुद की रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। इसको थोड़ी सी देर के लिए बात ना करो, इसको थोड़ी सी देर के लिए हम वाई एज्यूम कर लेते हैं, क्या ये क्लियर है? चलो इसकी रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस पाई क्यूब बाई एट माइनस अल्फा क्यूब प्लस थ्री पाई बाई टू अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री पाई स्क्वायर बाई फोर अल्फा। तो यहां से अल्फा क्यूब कट गया। देखो वाई अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गई, थ्री पाई बाई टू अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री पाई स्क्वायर बाई फोर अल्फा प्लस पाई क्यूब बाई एट। हम आराम से वाई वर्सेज अल्फा का ग्राफ बना सकते हैं। देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जब मैं ग्राफ बनाने की चेष्टा करूंगा वाई वर्सेज अल्फा का तो इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा कि अल्फा कहां से कहां वेरी करेगा, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। ग्राफ तो पूरा ही बनेगा लेकिन हम देखेंगे कहां, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, क्योंकि अल्फा हमारा वहीं से वहीं तक वेरी करेगा। इस ग्राफ का वर्टेक्स कहां निकल के आएगा, वर्टेक्स निकल के आता है माइनस बी बाई टू ए पर, माइनस बी बाई टू ए, और ये चीज निकल के आ गई माइनस माइनस कट गया थ्री पाई कट गया तो कुल मिला गया पाई बाय फोर। इसका वर्टेक्स यानी लोवेस्ट पॉइंट कहां निकल के आएगा, पाई बाय फोर पर। वर्टेक्स जब मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, मुंह क्यों ऊपर की ओर खुलेगा, अल्फा स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है। तो ग्राफ बनाएंगे बहुत ही सुंदर सुशील, ये पैराबोला ग्राफ बन गया, लेकिन हमको ग्राफ का केवल इतना सा पोर्शन देखना है। अगर ग्राफ के हम इतने से पोर्शन को देखें तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि आपको मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब अल्फा पाई बाय फोर होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब अल्फा माइनस पाई बाय टू होगा। तो मैं बोलूंगा मिनिमम एट अल्फा पाई बाय फोर, दैट इज अल्फा क्या है, साइन इनवर्स एक्स पाई बाय फोर, दैट इज एक्स इक्वल टू वन बाय रूट टू पर आपको मिलेगी इसकी मिनिमम वैल्यू। बोलो हा, और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जब अल्फा की वैल्यू होगी माइनस पाई बाय टू, दैट इज साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय टू, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू वन बाय रूट टू रख देंगे तो आइए मिनिमम वैल्यू निकाल लें, यानी वाई की मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, जब एक्स को वन बाय रूट टू रख देंगे। साइन इनवर्स वन बाय रूट टू पाई बाय फोर, कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू पाई बाय फोर, पाई बाय फोर का होल क्यूब प्लस
पाई बाय फोर का होल क्यूब कितना जाएगा, टू टाइम्स पाई बाय फोर का होल क्यूब। सत्य वचन, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब एक्स कितना हो जाएगा माइनस वन, साइन इनवर्स माइनस वन माइनस पाई बाय टू का होल क्यूब, कॉस इनवर्स माइनस वन पाई क्यूब, ये आ गया माइनस पाई क्यूब बाई एट प्लस पाई क्यूब विच इज सेवन पाई क्यूब बाई एट। यहां पर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पाई क्यूब अपॉन फोर फोर सिक्सटीन 32। तो कुल मिला के अगर हमसे कोई रेंज पूछे तो इस फंक्शन की रेंज निकल के आ चुकी है, मिनिमम वैल्यू कितनी पाई क्यूब बाई 32 से मैक्सिमम वैल्यू कितनी सेवन पाई क्यूब बाई। कॉपी कर लीजिए, आईआईटी वालों ने जो इसकी प्रॉपर्टी थी, इसकी प्रॉपर्टी का यूज करके भी कुछ क्वेश्चन बनाए थे। ध्यान देखिए, आईआईटी वालों ने एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इफ साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड इज थ्री पाई बाय टू, फाइंड एक्स रेज पावर 1001 प्लस वाई रेज पावर 1002 प्लस जेड रेज पावर 1003। जरा इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कहते हैं बीवीपी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। क्या कहते हैं? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। भाई खुद सोचो, साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पाई बाय टू। साइन इनवर्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या सकती है, पाई बाय टू। साइन जेड की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय टू। तीनों के तीनों जब पाई बाय टू होंगे तभी थ्री पाई बाय टू आएगा, क्योंकि अगर आप एक को भी पाई बाय टू से कम कर देंगे तो कंपनसेट करने के लिए, सम को सेम आने के लिए दूसरे को पाई बाय टू से बड़ा करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन तभी होल्ड करेगी जब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड इज पाई बाय टू। क्लियरली यानी एक्स वाई जेड तीनों के तीनों कितने हैं, वन। तो क्लियरली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। बहुत बार इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, आईटी ने एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा था, इस क्वेश्चन को सब बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन कहता था इफ समेशन आई इज इक्वल टू वन से टू एन साइन इनवर्स एक्स आई इज एन पाई, फाइंड समेशन आई इज इक्वल टू वन से टू एन एक्स आई। बस उसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दो कि बेचारा बच्चा डर जाए। अगर आप इस चीज को देखें तो ये चीज क्या है, ये है साइन इनवर्स एक्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स टू प्लस साइन इनवर्स एक्स थ्री करते 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 साइन इनवर्स एक्स टू एन। ये किसके बराबर है, एन पाई के बराबर है। अब खुद सोचो, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पाई बाय टू। यहां कितने टर्म लिखे हैं, टू एन टर्म लिखे हैं। अगर सबके सबको मैक्सिमम करोगे तब पाई बाय टू इंटू टू एन एन पाई बनेगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पाई बाय टू। पाई बाय टू बड़ा हो नहीं सकता जब सबके सबको आप पाई बाय टू करेंगे, तो इधर टू एन टर्म लिखे तभी एन पाई बनेगा। इसका मतलब यह चीज तभी होल्ड करेगी जब साइन इनवर्स एक्स वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स थ्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू, और सब के सब किसके बराबर हो, पाई बाय टू, तभी होल्ड करेगी। दैट इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये सब के सब किसके बराबर हो, वन, तभी होल्ड करेगी। यानी इसका मतलब हो गया वन प्लस वन हाउ मेनी टाइम्स, 2n times. So answer will come out to be 2n. IT ने एक और क्वेश्चन पूछा, एक और देखिए सही बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन कहता था इफ cos इनवर्स लैम्डा प्लस cos इनवर्स म्यू प्लस cos इनवर्स गामा इज 3 पाई, फाइंड लैम्डा म्यू प्लस म्यू गामा प्लस गामा लैम्डा। अब सॉल्यूशन की ओर ध्यान देखिए, भाई कॉस इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पाई 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 पाई। अरे पाई तो इंडिया ने पहले डिस्कवर कर लिया था, जो आदमी गरीब रहता था कहते थे पाई पाई को मोहताज है, इसके पास एक भी पाई नहीं है, और एक हमारे पास चार पाई हुआ करते थे।
जिसके पास 4 पाई थे. खैर, कॉस इनवर्स लैम्डा, कॉस इनवर्स म्यू, कॉस इनवर्स गामा, तीनों के तीनों पाई होने चाहिए. बोल दो हाँ. इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू गामा, ऑल शुड बी माइनस वन. सो माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 3. आईटी वाले इतने पाई नहीं रुके, छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने का ठान रखा था. समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n कॉस इनवर्स एक्स आई इज 0. और बोला गया था फाइंड समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई. वापिस देखिए इसको घूरो, ये क्या लिखा है, ये चीज लिखी हुई है कॉस इनवर्स एक्स वन, कॉस इनवर्स एक्स टू, कॉस इनवर्स एक्स थ्री एंड सो ऑन, कॉस इनवर्स एक्स एन 0. सोचो, आपके पास तो बहुत बुद्धि है, कॉस इनवर्स 0 से पाई वेरी करेगा. तो अब सोचो ऐसा तो हो ही नहीं, अगर एक भी पॉजिटिव हो गया तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि कट के 0 आए, लेकिन नेगेटिव तो हो नहीं सकता. तो ये तभी संभव है जब कॉस इनवर्स एक्स वन, कॉस इनवर्स एक्स टू, कॉस इनवर्स एक्स थ्री, कॉस इनवर्स एक्स एन सबके सब 0. क्योंकि एक को भी आपने 0 से बड़ा कर दिया तो किसी ना किसी को 0 से छोटा करना पड़ेगा. जैसे दो पॉजिटिव नंबर का सम अगर 0 है, इसका मतलब दोनों के दोनों 0 है. अगर दोनों आपने कह दिया पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, फिर भी सम 0 है. तो सारी चीजें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चीजें हैं. अगर n चीजें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और फिर भी उनका सम 0 आ रहा है, तो एक ही संभावना कि सारे के सारे 0. इसका मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री करते करते एक्स एन सबके सब किसके बराबर, 1. बोलो कॉस 0 1, तो कॉस इनवर्स 0. समझ में आया था बच्चों को. नेक्स्ट, तो यहां पर तो ये क्या आएगा, 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, द वैल्यू कम आउट टू बी. तो बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री वैल्यू से भी आते हैं. कॉपी करें. देखो, जो मैं बहुत सारे तरह तरह के इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इस बात पर बेस्ड हैं कि आईटीएफ की अंडरस्टैंडिंग पर ही 95% ऑफ द चैप्टर बेस्ड है. बहुत कम पोर्शन ऑफ द चैप्टर है जो कि बिल्कुल आईटीएफ की कोर अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है. एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, ये तीनों क्वेश्चन आईटी में पूछे गए क्वेश्चन है. आईटी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार पूछा था, इफ कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स वाई बाय 3 इज थीटा. अगर कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स वाई बाय 3 थीटा है, तो शो करना था 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा. अब सुनो, जब भी कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि एक ही आईटीएफ जुड़ रहे हो, यहां भी cos इनवर्स, यहां भी cos इनवर्स, अलग, अगर अलग अलग आईटीएफ जुड़ेंगे थोड़ा प्रपंच हो जाएगा, लेकिन अगर एक ही आईटीएफ जुड़ रहे हो तो जोन सा आईटीएफ जुड़ रहा है वही टीएफ दोनों ओर ले लो. क्या बोला मैंने, अगर एक ही आईटीएफ जुड़ रहे हो, भाई पूरे क्वेश्चन में क्या है, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स, अगर एक ही आईटीएफ मौजूद हो, एक ही आईटीएफ जुड़ घट रहे हो, तो जोन सा आईटीएफ है वही टीएफ दोनों ओर ले लो. तो यहां कॉस इनवर्स दिखाई पड़ रहा है, तो मैं दोनों ओर कॉस ले लूंगा. बोर्ड पर देखते रहे, तो दोनों ओर क्या ले लूंगा, कॉस. अब आप थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, तो मेरी आंखों के सामने लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज कॉस थीटा, यही हमको सिखाया गया है. आईटीएफ अकेला दिख जाए या टीएफ के अंदर दिख जाए, हमको तो उसको एंगल मान लेना है. अच्छा, इसको अल्फा बीटा माना, यानी कॉस अल्फा बीटा कितना, एक्स बाय 2, कॉस बीटा कितना, वाई बाय 3. खोल दीजिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बन गया कॉस थीटा. कॉस अल्फा कॉस बीटा
साइन अल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। अरे साइन अल्फा कितना होगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन बीटा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, यह आ गया कॉस, यह आ गया एक्स वाई बाय 6 माइनस कॉस थीटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुख तकलीफ, चिंता, चिड़चिड़ापन, दोनों स्क्वायरिंग कर दें तो इधर आ जाएगा एक्स वाई बाय 6 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय। इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन से ही सारी गणित सीखनी है। गाड़ी पहुंचे, खोल दीजिए, आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 36 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy cos theta by 6। कोई दिक्कत, इधर एक्सपेंड करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 30। काट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 36 कट गया हमारे पास। देखो पाई पे ध्यान दो बेटे, पूरी इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, पूरे को 36 से गुणा करो तो 36 cos स्क्वायर थीटा, 6×36 12xy cos थीटा 36 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले लो, आंखों में उत्तर नाच रहा है 2xy cos थीटा 36 माइनस 36 cos, 36 कॉमन ले लिया 1 माइनस cos स्क्वायर विद 36 कहना ही पड़ेगा। हैंस एक मिनट रुको, यहां पर देखो जब भी सेम आईटीएफ जोड़ेंगे घटेंगे तो आप दोनों और सेम टीएफ ले लोगे। जब बेटा आप दोनों और सेम टीएफ ले लोगे, देखो इस स्टेप के बाद आईटीएफ चैप्टर का काम ही खत्म हो गया। अब तो प्योर ट्रिग्नोमेट्री 95% चैप्टर यही है, कॉपी करो।